ऐसी जंग है कि इस बार भाजपा को लाना है और कोठी के दरवाजे बंद करने हैं, इसके अलावा कोई जंग नहीं है, इतना सा ही काम करना है। आपने कई कई बार कई कई तरह के प्रत्याशियों को आजमाया, अवसर दिया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, जहां तक विकास की बात है तो वहां तो कोई मुद्दा नहीं है। जहां तक पानी, बिजली, शिक्षा, पीने का पानी नहीं आता, बिजली नहीं आती, बिजली घरों की दलाली है, लोगों को बरगला के, डरा के, धमका के राजनीति है, जो भी इन सब से मुक्ति चाहता है उतनी ही लड़ाई है, इससे ऊपर की लड़ाई नहीं है। मैं यहां पर अपने समस्त बस्ती के सामने ये निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ, अर्जी करती हूँ, अगर इस आजादी की लड़ाई में साथ जोड़ना है फिर तो इस गरीब कैंडिडेट को जोड़ना पड़ेगा, और अगर गुलामी करते जाना है फिर तो आप किसी को भी चुनिए, फिर आपकी मर्जी है। अगर इस लड़ाई में पार उतरना है और इस लड़ाई में ये नैया पार करानी है, इसे सिरे चढ़ाना है, फिर तो आपको इस गरीब को चुनना पड़ेगा। हम आपकी हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, चाहे वो विकास की मुद्दे हो, पानी के मुद्दे हो, शिक्षा के मुद्दे हो, बिजली के मुद्दे हो। प्रजापत समाज में खड़े हैं, इतने पावन धरती पर खड़े हैं, मंदिर निर्माण होने हैं, चाहे वो किसी भी तरह की युद्ध हो, मैं पूरे समाज के साथ, जिस तरीके से आपने मेरा सम्मान किया है, मैं आपको एक वादा करके जा रही हूं, आपका सम्मान उससे भी ज्यादा मैं अपना बरकरार रखूंगी। ये पूरे समाज, पूरी बिरादरी, पूरी समस्त बस्ती के सामने मैं अपना वादा करके जा रही हूं कि जिस तरीके से आपने मेरा पगड़ी बांधकर सम्मान किया है, मेरा कद बढ़ाया है, मुझे इतनी इज्जत से नवाजा है, उसी तरीके से आपके हर समाज के सदस्य का मान सम्मान का ध्यान मैं रखूंगी। मान सम्मान का ध्यान भी मैं रखूंगी, सुरक्षा का ध्यान भी मैं रखूंगी, प्रतिष्ठा का सम्मान जो ध्यान है वो भी मैं रखूंगी। पर समस्त बस्ती से, 36 बिरादरी से आए हमारे मौजूद साथियों से, हमारे पार्षदगण से, सरपंचों से, प्रजापत समाज से आए वरिष्ठ साथीगणों से, मेरी बुजुर्गों से, मेरी माओ से, जिनके आशीर्वाद और दुआओं की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, इतना लंबा सफर मैंने तय किया है कुछ कम उम्र में, उनके आशीर्वाद का धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सभी से ये अपील करना चाहती हूँ, अगर खुद को बचाना है तो कमल का फूल लाना है, अगर खुद को बचाना है और इस जंग को भारी जंग बनाना है, इस जंग का ऐलान करना है, गुलामी से अपने आप को हटाना है तो बीजेपी को लाना है। चौधरी का, सभी साथियों का जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन, जमाल जी का स्वागत करेंगे। उनके बीच में आई है पच्चीस नवंबर को